प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं प्रदीप बहुगुणा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज सोड़ा सरोली देहरादून से। आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आपको जानकारी है कि कुछ समय के अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम भौतिक विज्ञान में आपकी कक्षा 9 के लिए कुछ अध्यायों का अध्ययन कर चुके थे, जिनमें गति, बल और गुरुत्वाकर्षण, ये 3 अध्याय हमने कवर किए थे। क्योंकि हम कुछ समयांतराल के बाद मिल रहे हैं, इसलिए हम इनका एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के अध्याय की जो शुरुआत है, हम गति नामक अध्याय के रिकैप से करेंगे। संक्षिप्त रूप से उसको रिकैप करने के बाद फिर हम बल का रिकैप करेंगे और अगर समय बचा तो गुरुत्वाकर्षण पर आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। गति, जो कि पहला अध्याय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि गति क्या है। तो हमने कहा था कि समय के साथ वस्तु के स्थान या स्थिति में परिवर्तन, यानी अगर किसी वस्तु की, मान लिए हम एक ये कोई बॉक्स है और ये यहां पर रखा हुआ है, इसी सतह पर रखा हुआ है और समय के साथ साथ इसकी स्थिति, समय हमने ले लिया t बराबर 0 पर यह बॉक्स यहीं पे रखा हुआ है, यानी शुरुआत में ये यहीं पे रखा हुआ है और कुछ समय बाद t बराबर 5 सेकंड के बाद भी हम इसको देख रहे हैं कि इसकी स्थिति यहीं की यहीं बनी हुई है। 10 सेकंड बाद भी हम देख रहे हैं इसकी स्थिति यहीं पर है, 20 सेकंड बाद भी यही है। यानी अगर इसमें कोई भी इसकी स्थिति या स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, तो हम ये कहेंगे कि यह वस्तु गति में नहीं है। इसके विपरीत अगर हम ये मान लें कि ये बॉक्स शुरुआत में यहां पर है, इसके बाद खिसक कर ये यहां पहुंच गया t बराबर 5 सेकंड पर, यानी 5 सेकंड बाद ये बॉक्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है, तो ये क्या हुआ, इसके स्थान और स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम कि बॉक्स क्या है, गतिमान है। तो ये गति का हमने मतलब समझा था, इसके हमने विस्तार में हम उस पर चर्चा भी कर ली थी। इसके बाद हमने बात करी थी समान और असमान गति की, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी बीच में जो समयांतराल रहा, जिन दिनों ये दूरदर्शन पर हमारी कक्षाएं नहीं चल पाई, इनमें अभ्यास किया होगा, लेकिन फिर भी संक्षिप्त पुनरावृत्ति की दृष्टि से, ताकि हमें दोबारा से एक बार रिकॉल हो जाए, याद आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, इस पर भी हम विचार करते हैं। समान और असमान गति, समान गति क्या थी, समान गति के बारे में हमने पढ़ा था कि यदि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति समान गति होगी। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लिया
जीरो से 10 सेकंड के बीच में यह हमारा टाइम है, वस्तु 10 मीटर दूरी तय करती है। फिर 10 से 20 सेकंड के बीच में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 20 मीटर हो जाती है। 20 से 30 सेकंड के बीच में 30 मीटर हो जाती है। 30 से 40 सेकंड के बीच में 40 मीटर हो जाती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक 10 सेकंड के अंतराल में अगर वस्तु द्वारा तय कुल दूरी देखें तो ये जो अंतर निकल के आते हैं 10-10 मीटर के अंतर निकल के आते हैं, यानी हर 10 सेकंड में वस्तु 10 मीटर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं समान गति। समान गति का मतलब हुआ कि यदि वस्तु समान समय में समान समयांतराल तय करे तो वस्तु की गति समान गति कहती है। इसे हमने विस्तार से समझा था। इसी तरह से असमान गति क्या होगी? जब हम असमान गति की बात करेंगे तो इसके विपरीत हो जाएगा कि यदि वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है तो वस्तु की गति क्या हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी। यानी अगर क्या है, यहाँ पे दूरियां बदल जाएं, सपोज कीजिए कि 0 से 10 सेकंड में वो 10 मीटर तय कर रही थी, उसके बाद 10 से 20 में वो सीधे 25 मीटर पे आ गई, 20 से 30 में हो सकता है वो 40 पे जाए, और फिर 30 से 40 में हो सकता है 50 मीटर ही तय करे। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले 10 सेकंड में जो अंतर आया 10 और 20 सेकंड के बीच में, वो 15 मीटर दूरी का है, फिर 15 का है, लेकिन इसके बाद फिर 10 का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय कर रही है, तो इस प्रकार की जो गति होगी वो असमान गति कहलाती है। इसके बाद हमने दूरी की अवधारणा पे बातचीत की थी। दूरी में हमने लिया था कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई वस्तु की दूरी कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं, एक उदाहरण की सहायता से, कि मान लीजिए कोई वस्तु बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है, B तक चलती है, फिर C तक चलती है, और फिर D पे पहुंचकर उसकी गति समाप्त हो जाती है। ये 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, इन दूरियों को हम देखें और हम ये निकालें कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, तो स्पष्ट है दूरी की परिभाषा से कि वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तो यहां पर कुल लंबाई क्या होगी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इनको हम जोड़ देंगे कुल 25 किलोमीटर ये दूरी तय हुई। तो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। यहां पर यह ध्यान रखा गया है कि हमने दिशा को कोई भी तवज्जो नहीं दी है, यानी दिशा का ध्यान हमने नहीं रखा। कुल वस्तु चली जितनी लंबाई मार्ग की, वो लंबाई ही दूरी है, चाहे वो किसी भी दिशा में चली, मुड़ी हो या ना मुड़ी हो, सीधी चली हो, मुड़के चली हो, किसी भी मार्ग पर चली हो, लेकिन दूरी क्या होती है?
कुल मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। एक राशि हमने इसी के साथ और पढ़ी थी, विस्थापन। विस्थापन भी एक दूरी के जैसी ही राशि है, लेकिन दूरी के मामले में हम, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया, कि दिशा का कोई ध्यान नहीं रखते हैं कि किस दिशा से वस्तु मुड़ रही है, किस पथ पर चल रही है, जहां भी चले, जैसे भी चले, कुल तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन ऐसी राशि है जिसमें हमें दिशा का भी ध्यान रखना होता है, यानी, और इसको जो आंकिक रूप से मापने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग है। हम कह सकते हैं कि गति प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, आपको याद होगा हमने इस पे बहुत सारे अभ्यास भी किए थे कि विस्थापन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए फिर से मैं उसी उदाहरण को देता हूं जो हमने भी पहले देखा था, कि अगर हम बात करें इसी उदाहरण की, तो यहां पर दूरी हमने निकाली कितनी? 25 किलोमीटर। इसी उदाहरण को लेके हम विस्थापन ज्ञात करें अगर, तो देखिए विस्थापन क्या होगा? गति के अंतिम बिंदु से या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की वस्तु, जहां से चलना प्रारंभ कर रही है और जहां तक चल रही है, उनके बीच की सीधी दूरी विस्थापन के बराबर होगी। तो यानी विस्थापन यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधे AD दूरी के बराबर आ जाएगा। और AD क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। तो AD किसके बराबर होगी? BC के बराबर होगी। यानी यहां पर विस्थापन कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो ये जो चित्र है बोर्ड पर, आप जो ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में स्पष्ट नजर आ रहा है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। और अगर वस्तु की दिशा बदल रही है गति के दौरान, तो दूरी और विस्थापन के मान एक समान नहीं आ रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ए से बी तक वस्तु जाती है, बी से सी तक आती है, और सी से आने के बाद डी तक चलकर अपनी गति को समाप्त कर देती है। तो वस्तु की ए से डी तक की कुल गति के लिए जब हम दूरी की गणना कर रहे हैं, तो दूरी हमारे पास AB प्लस BC प्लस CD, यानी कुल मार्ग की लंबाई, इसको हमने कुल ऐड किया तो 25 किलोमीटर आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन हमारा निकल कर आता है केवल 5 किलोमीटर। यानी समान मार्ग पर गति हुई, समान प्रकार से गति हुई, समान समयांतरण में गति हुई, समान वस्तु द्वारा गति की गई, लेकिन उसके बावजूद भी दूरी और विस्थापन के मान में अंतर आया। क्यों आया? ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहां पर वस्तु की दिशा में परिवर्तन हुआ। तो इस चित्र से हम दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इसको भली भांति समझ सकते हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि इनके मात्रक क्या होते हैं दूरी और विस्थापन के। तो आपको याद होगा कि दूरी और विस्थापन दोनों का ही मात्रक मीटर होता है, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट राशि जो हमने पढ़ी थी वो थी 4। चाल क्या है? इस पर ज्यादा समय न लेकर सीधे सीधे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि
कि चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं, यानी दूरी में समय के साथ परिवर्तन की जो दर है वो चाल है। एकांक समय में तय की गई दूरी, ये हमने पढ़ा था कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी चाल का जो सूत्र होगा क्या निकल के आया था, दूरी बटे समय। मुझे लगता है अब आपको याद आ रहा होगा कि हम इसको कितने विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद चाल के अगर मात्रक की बात करें चाल का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक यानी मीटर और समय का मात्रक प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर जो दूरी का मात्रक है बटे सेकंड यानी जो समय का मात्रक है, तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है। चाल पे हमने कुछ आंकिक प्रश्न भी हल किए थे, आप उनका पुनराभ्यास भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली राशि आती है वो है वेग। आपको याद होगा कि वेग भी एक तरह से समय के साथ परिवर्तन की दर है, लेकिन किसके परिवर्तन की, जब आप चाल की बात करते हैं तो चाल तो है दूरी में परिवर्तन की दर, और जो वेग है विस्थापन की दर, यानी एकांक समय में जो विस्थापन होता है वो वस्तु का वेग कहलाता है। वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग का जो सूत्र बनेगा क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए वेग का जो मात्रक होगा उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो बराबर हो जाएगा विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक यानी मीटर प्रति सेकंड। तो याद आ रहा होगा आपको कि वेग को लेकर भी हमने कुछ आंकिक प्रश्न हल किए थे, वेग और चाल में अंतर भी हम समझ चुके थे। इसके पश्चात हमने ये देखा था कि अगर वस्तु का वेग या वस्तु की चाल समय के साथ बदल रही है, जिसको हमने कहा कि वस्तु की असमान चाल से गति हो रही है, तो समय के साथ जो चाल का बदलना है यानी समय के साथ जो चाल में होने वाला परिवर्तन है उसकी दर को क्या कहते हैं। तो याद आ रहा होगा आपको एक राशि हमने अध्ययन किया था उसका त्वरण। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण a बराबर
डेल्टा वी यानी वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी यानी समयांतराल। अब डेल्टा वी वेग में परिवर्तन जो है इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक भी वही होगा जो वेग का मात्रक होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या रिश्ते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, जहां पे वी क्या है आपका अंतिम वेग है। अंतिम वेग वह वेग है जो वस्तु प्राप्त कर लेती है गति के अंत तक, u क्या है प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग वह वेग है जिससे वस्तु चलना आरंभ करती है, और डेल्टा टी हमारा या टी हमारा क्या हो गया समयांतराल हो गया। जितने समय तक गति हो रही है वस्तु की, तो अगर हम a के मात्रक की बात करें, a का मात्रक क्या हो जाएगा डेल्टा v का मात्रक यानी वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और बटे समय का मात्रक यानी सेकंड। तो ये आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करके कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो त्वरण एक ऐसी राशि है जो वेग में परिवर्तन की दर को किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को व्यक्त करती है। तो आप समझ चुके होंगे जो संक्षिप्त पुनरावृत्ति हमने की गति नामक अध्याय की कुछ राशियों की, जिसमें हमारा दूरी विस्थापन गति क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है और त्वरण क्या है, इसको हम आगे आज यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।